हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजलि मिक्स रेसिपी। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी वेजिटेबल ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको लंच की भी जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने एक कप चावल का आटा लिया हुआ है, यानी कि एक कटोरी। और यहाँ पे मैंने, मेरे पास जो भी वेजिटेबल था उसे हमने बारीक कट कर लिया है, जैसे कि पत्ता गोभी, टमाटर, प्याज और आलू, हरा धनिया और हरी मिर्च। तो इन्हीं सब सब्जियों से मैं इस ब्रेकफास्ट को बनाऊंगी। फटाफट से बनके तैयार हो जाता है, मिनटों में बना सकते हैं आप, लंच भी लेके जा सकते हैं इस ब्रेकफास्ट को। तो फ्रेंड्स, क्यों ना बनाया जाए इस ब्रेकफास्ट को और खाया जाए। तो यहाँ पे जो भी मैंने वेजिटेबल लिए हैं, आप इजिली घर पे जो भी हो, अगर पत्ते गोभी नहीं है तो टमाटर, प्याज, आलू है उससे भी बना सकते हैं। तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस पे हमने कढ़ाई रखा है जिसमें हम 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। आप 1 गिलास भी डाल दे, मैं यहाँ पे 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा इसे डो को सॉफ्ट बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पानी जैसे थोड़ा सा गुनगुना हो जाएगा, इसे हम ढक देंगे, थोड़ा सा इसे पानी गर्म हो जाएगा। तो गर्म होने के बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें हम सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देंगे। सबसे पहले इसमें हमें ऐड करना है नमक। नमक हमें पूरा नहीं ऐड करना है, आधा चम्मच के करीब नमक ऐड करना है। और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे कलर के लिए, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूं मैं, चिली फ्लेक्स है बहुत अच्छा। और हरी मिर्च हमने डाल दिया है इसके अंदर। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, कटा हुआ बारीक प्याज और एक कटा हुआ आलू। और उसके बाद इसमें हम डालना है फ्रेंड्स बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को इसके अंदर डाल दिया है और सब्जियों को अभी हमें कुक करना होगा। सब्जियां कच्ची हैं तो आलू भी हार्ड है और पत्ता गोभी को थोड़ा हमें सॉफ्ट करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें टमाटर को भी डाल देंगे और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले बहुत ही इजी प्रोसीजर है, फटाफट से हम धनिया को भी डाल दिया, आधा धनिया मैंने डाल दिया है, आधा रख दिया है। तो धनिया डाल देंगे तो इससे मतलब इसका फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो इसे अभी हम कवर कर देंगे, 2-3 उबाल आने तक का वेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से ये सब्जी उबल रहा है और इसमें कुक भी हो जाएगा। तो एक बार चलाएंगे फिर वापस से इसे हम कवर कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसे और कुक करना है, सब्जी पूरी तरह से पक जानी चाहिए। तो देखिए, अभी हम इसे कवर कर रहे हैं एक बार, और ये हमारा सब्जी हो गया है कुक, पूरी तरह से पक चुका है। अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसे चला लेते हैं। और देखिए इस तरीके की सब्जी दिख रही है, आलू भी सॉफ्ट हो गया है, पत्ता गोभी भी सॉफ्ट हो गया है। तो फटाफट से इसमें चावल के आटे हम थोड़े थोड़े करके ऐड करते जाएंगे, एक साथ ऐड नहीं करिएगा नहीं तो गुलठियां पड़ जाएंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए हमने सारे चावल के आटे को इसके अंदर ऐड कर दिया है और ये अच्छे से मिक्स भी हो रहा है। और इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस का फ्लेम हाई नहीं, मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पे ही इसे मिक्स करना है। इस तरीके से बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा डो जैसा बन गया है। तभी मीडियम फ्लेम रखेंगे और इसे मिक्स करेंगे 5 से 7 मिनट के प्रोसीजर में। तो इसे चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम गैस के फ्लेम को अब बंद कर देंगे। यहाँ मैंने फ्लेम बंद कर दिया है और इस डो को हम एक दूसरे बर्तन में अभी नहीं ट्रांसफर करेंगे। थोड़ा सा इसे हम ठंडा होने के बाद इसमें एक पैकेट मैगी मसाला डालेंगे, थोड़ा सा इसमें हम सफ़ेद तिल डालेंगे। दोनों को डालने के बाद फिर वापस से हम उसी प्रोसीजर में इसे मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जैसे ये मिक्स हो जाएगा, देखिए बहुत अच्छे से ये मिक्स कर लिया मैंने इसे। अब इसे हम एक थाली में फटाफट से निकाल लेंगे ताकि इसे पूरी तरह से हम ठंडा कर सकें। तो ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, आप चाहे तो इस तरीके से कढ़ाई में भी फैला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डो एकदम ठंडा हो चुका है। तो अभी जैसे ये ठंडा हुआ है, इसमें हम कुछ चीज़ों को ऐड करेंगे, जैसे कि इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया,
और आधा कप के करीब हम गेहूं का आटा डालेंगे। गेहूं का आटा इसलिए मैं ऐड कर रही हूं फ्रेंड्स ताकि ये इजिली निकल जाए और चिपके ना, जो हमारा नाश्ता बनेगा फटाफट से निकलता जाएगा, तो इसलिए गेहूं का आटा हम इसलिए डाल रहे हैं, सिर्फ चावल के आटे से नहीं बन सकता है। तो आधा कप के करीब मैंने गेहूं का आटा डाला है और बहुत अच्छे से इसे गूंथ लेंगे यानी कि मिक्स कर लेंगे हाथों से। तो ये जो रेसिपी है फ्रेंड्स बहुत हेल्दी रेसिपी है और वेजिटेबल रेसिपी है, तो ये सबके लिए भी बहुत हेल्दी है। बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो मिर्ची का कम यूज करें, चिली फ्लेक्स स्किप कर दें, हरी मिर्ची भी स्किप कर दें। तो इसे मुझे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फाइनली ये डो पूरी तरह से रेडी हो चुका है। आइए चलते हैं नाश्ते को बनाने। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, मैंने गैस पे रख दिया है पैन, मैंने नॉनस्टिक पैन रखा है, डोसे वाला पैन रखा है, अनॉनस्टिक का आप यूज करें तो ज्यादा बेटर है। इस पे एक चम्मच ऑयल डाल देंगे, ऑयल को पूरे तवे पे अच्छे से फैला लेंगे और एक इस तरह से हम एक लोई जैसा लेंगे और उसके ऊपर रख देंगे और अपने ही हाथों से इसे थोड़ा थोड़ा सा करके फैला लेंगे पूरी के आकार में। तो यहाँ पे देखिए, तो इसी तरीके से हम पूरे तवे पे हम ब्रेकफास्ट को फैला लेंगे पहले, और गैस का फ्लेम अभी हम हाई रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही कम ऑयल मैंने इस नाश्ते को बनाया है। ये सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही अच्छा है, तो जरूर से जरूर ट्राई आप भी करें और जितना हो सके उतना कम ऑयल का यूज करें किसी भी नाश्ते, किसी भी सब्जी, किसी भी रेसिपी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत कम ऑयल में बहुत अच्छी रेसिपी बन के तैयार हो गई है। तो इसे हम ढक देते हैं, ढकने के बाद ये क्या होगा, थोड़ा फूलेगा, फूलेगा तो इसका कच्चापन चला जाएगा क्योंकि इसमें मैंने गेहूं का आटा डाला, चावल का आटा तो ऑलरेडी पक चुका है। तो 5 मिनट के बाद एक बार इसे चेक करते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये कच्चापन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब इसे हम दूसरी साइड पलट लेंगे, इजली पलट लेंगे हम इसे। तो एक से अगर आप नहीं पलट पाते हैं तो एक चमची का दो चमची का यूज करें या फिर चिमटे से आसानी से पलटा जा सकता है इस रेसिपी को। तो इस तरीके से ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है, ऊपर से कुरकुरा और अंदर से इतना सॉफ्ट होता है कि आपके मुंह में ही घुल जाता है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हम इसे पलट लेंगे, बहुत अच्छी सी रेसिपी बनी है ये। तो सारे को यहाँ पे पलट लेती हूँ और उसके बाद दूसरी साइड भी हम ढक देंगे, थोड़ा सा अच्छे से सिक जाएगा। तो फटाफट से इसे हम सर्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम हमने मीडियम रख के फिर से वापस से इसे हमने कवर कर दिया है यानी कि ढक दिया है। तो ढकने के बाद फिर से 5 मिनट बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं नाश्ते को। तो फाइनली हमारा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। आप इसे दही और मीठी चटनी या तीखी चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, सभी के साथ ही बहुत टेस्टी लगता है। और सुबह के टाइम आप ब्रेकफास्ट करके जाएं तो बहुत ही हेल्दी होता है। तो अभी ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है, तो फटाफट से करते हैं इसे सर्व। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पुराने अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मुझे प्यार सपोर्ट जरूर दीजिए। तो हमारा गर्मा गर्म ये नाश्ता बन के तैयार है, आपको भी खाना है तो आइए, हम आपको बना के जरूर खिलाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सबसे टेक केयर, धन्यवाद एंड बाय बाय।